जी सामीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त होम्यो मेडिसन पर जो तकरीबन हर घर की ज़रूरत है, जो आपको गले के मुख्तलिफ मसाइल से फौरी निजात दिलाने में बहुत ही मुफीद है, जिसके इस्तेमाल से आप गले की तमाम तकालीफ दे बीमारियों से फौरी छुटकारा हासिल करेंगे। लेकिन मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमाती वीडियो, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की मेडिसन और सप्लीमेंट के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही और आपको मुख्तलिफ डिजीज़ के मुतल्लिक वक़्त के साथ साथ अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जी सामिन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में गले के कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी यूं कह ले कि ये मेडिसिन गले के कौन कौन से मसाइल में आपकी मदद करेगी, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है गले का इन्फेक्शन हो जाना, थ्रॉट इन्फेक्शन, गले में टॉन्सिल्स का हो जाना, गले का बैठ जाना यानी बारों का आवाज़ बैठ जाती है, गले में सोजश हो जाती है, गला दर्द करता है, कोई भी चीज़ खाते हैं गले में दुश्वारी पेश आती है, गले में खराश चुभन जैसा एहसास होता है, ऐसे फील होता है जैसे गले में सुइयां चुभ रही हो, कोई कांटेदार चीज़ गले में चुभ रही हो, यानी इस तरह की कैफियत का सामना होता है। इसके अलावा गले में एलर्जी या ऐसा महसूस होना जैसे गले में ज़ख्म हो, इसके अलावा ज़बान की खुश्की या गले में बलगम का इतना ज़्यादा जमा हो जाना कि जिसकी वजह से अगर आप खांसी भी करते हैं तो बार बार बलगम का अखराज होता है। ये तो थे गले के मुख्तलिफ मसाइल। अगर इनकी वजूहात की बात की जाए तो इसकी वजूहात तो वैसे काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हम चंद एक पर बात करते हैं जो रोज़मर्रा के मामलात में देखने में आ रही हैं, यानी ऐसी वजूहात जिनसे आम तौर पे गला ख़राब होता है या गले के छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जी फर्स्ट नंबर पर जिसमें है, फर्स्ट नंबर पर है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यानी माहौलियाती आलूदगी जिसमें ट्रैफिक का धुआं और स्मॉग वगैरह शामिल है, जो गले के इन्फेक्शन की वजूहात बन रहे हैं। इसके बाद है नाकस खुराक, यानी हम जो खुराक ले रहे हैं अगर वो नाकस हो, गैर मियारी हो, तो वह स्टमिक के मसाइल के साथ साथ हमें गले के मसाइल से भी दोचार कर सकती है। इसके अलावा सामीन, अक्सर आपने देखा होगा कि वेदर चेंज होता है, यानी मौसम जैसे ही चेंज होता है अक्सर लोगों को गले के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि करना भी पड़ता है। गला बैठ जाता है, गले में सोजिश, आवाज़ का बैठ जाना, इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सामीन, जब आप बहुत ज़्यादा ठंडी अशिया यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह या ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं जो यकीनी तौर पर गले के ख़राब होने की वजह बनते हैं, बल्कि डॉक्टर्स के मुताबिक भी हमारे यहाँ गला ख़राब होने की एक बड़ी वजह बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात का बेजा इस्तेमाल है। सामीन, अगर आपने अपनी रोज़मर्रा के डाइट प्लान में थोड़ा सा मोहतात तरीका इस्तेमाल करें तो आप गले के काफ़ी सारे मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी सामीन, अब आते हैं हम इस मेडिसिन की तरफ कि जिसके इस्तेमाल से आप गले के इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मसूद फार्मा की बनी हुई है और इसका नाम है HR No. 10। ये गले के तमाम मसाइल का खात्मा करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं और आजकल इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और डॉक्टर इसको काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने गले के मामला आपको बताए थे, इस तरह की अलामत में डॉक्टर इसको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। ये 7 होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन है। ये मेडिसिन किस तरह से काम करती हैं गले के मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलाने के लिए, इसका भी मैं शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ और इन मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर जो इसमें डली हुई है, इसका नाम है इलियम सीपा। यह दवा बलगमी मजाज वाले अफराद के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा सांप की मजमन, सोजश, मुंह, नाक व गले में जलन होना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दहकती हुई आग का एहसास होना, सर दर्द, खांसी, गले का बैठ जाना जैसी शिकायत, इसके अलावा नाक की झिल्लियों का घूमड़, इस दवा की अहम अलामत है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर इसमें मेडिसिन डली हुई है, इसका नाम है बेप्टिशिया।
ये मेडिसिन टॉन्सिल्स और नरम तालू की रंगत, गहरी सुराख होना, घुटन, खुराक की नाली में तशवीश, गले की सोजश जिसमें दर्द हो और गले से बदबूदार रतोबत बहना, ठोस गजा निगलने में मुश्किल पेश आना वगैरह इसकी अहम अलामत हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पर जो मेडिसिन है बेलेडोना। बेलेडोना का क्या फंक्शन है? यानी गला खुश्क हो, टॉन्सिल्स बढ़ गए हो, खुराक की नाली खुश्क और घुटी हुई यानी तंग सी महसूस हो, निगलने वाले पट्टे जिकल हस हो जाना यानी कमजोरी महसूस होना, निगलते हुए अजियत या तकलीफ महसूस होना, दर्द महसूस होना, इसके अलावा बलगमी जलियां बढ़ जाना यानी गले के अंदर बलगम बढ़ जाना इसकी अहम अलामत है। इसके अलावा एक इसमें बहुत ही अहम और ख़ास मेडिसिन डली हुई है निशिया। ये एक तरह की एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, यानी टॉन्सिल्स का रंग अरगवानी या स्याह हो जाना, सुरमई अखराज जो हलक और सांस की नाली तक फैलता हुआ गले के जख्म और खराश में, इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पर जो इसमें मेडिसिन डली है इसका नाम है हाइड्रास्टिस। ये मेडिसिन हलक की सोजश, कच्चापन, खराश का एहसास, जर्द लैसदार बलगम निकलना, जुकाम के बाद नाक की सोजश, कान की दरमियानी नाली का नज़ला इस दवा के मरीज की खसूसी अलामत हैं। इसके अलावा सिक्स नंबर पर जो इसमें मेडिसिन डली है इसका नाम है थाइमस वल्गैरिस। अक्सर बच्चों में आला तनफ्फुस की छूत में, हलक में जलन, गले की दुखन जो निगलने से बढ़ती हो इस दवा की अहम अलामत हैं। इसके अलावा लास्ट जो मेडिसिन है ये दवा असाब सांस की नालियों की सोजश और खांसी में सुकून फराहम करती है। जी सामिन, जिस तरह कि आपने देखा है सेवन मेडिसिन गले के मसाइल पर किस तरह से काम करती है और आपके पेचीदा से पेचीदा भी गले के मसाइल में ना सिर्फ राहत देंगी बल्कि आपकी अगर कोई बीमारी पेचीदा भी होगी या गले से मुतल्लिका इनको ख़त्म भी कर देगी। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? आप 15 से 20 कतरे नीम गर्म पानी में 3 चम्मच पानी ले लें, नीम गर्म एक कप में उसमें डाल लें। अगर आपका मसला काफ़ी पुराना है, गला काफ़ी अरसे से ख़राब है, टॉन्सिल्स का मसला पुराना है, तो आप इसे दिन में 4 से 5 दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा। यानी अगर वैसे मौसमी चेंज या आपने कोई ठंडा वगैरह पी लिया है, इस वजह से गला ख़राब हो गया, गले में रेशा हो गया है, यानी सडन आपको मसला हुआ है 2-4 दिन से हुआ है, तो फिर आप इसे सुबह दोपहर शाम ही इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखेंगे कि आप फर्स्ट डे इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 80% आपका गला ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 7 साल या 10 साल के दरमियान है, इन्हें आप एक चम्मच नीम गर्म पानी में 5 से 7 कतरे डालकर पिला दें, सुबह शाम पिलाएं, देखिएगा कि इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर गले की तकलीफ से काफ़ी राहत मिल जाएगी। अब अगर ये मिलेगी कहाँ से? यह आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन हमसे भी बाय कर सकते हैं अगर हमारे वेयर हाउस या स्टॉक में अवेलेबल हुई तो हम भी आपको ऑनलाइन इसको डिलीवर कर देंगे। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 100 के राउंड बोर्ड है और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप इजीली बिला झिझक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सामिन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।